नमस्ते इंडिया, मैं हूं रोहित फ्रॉम रोहित नेचुरल बॉडीबिल्डिंग। मैं हूं दोस्तों एक नेचुरल एथलीट एंड एक फिटनेस मोटिवेटर। दोस्तों आज का वीडियो हमारा एक डाइट प्लान के ऊपर है। मतलब आज मैं एक जूस बताने वाला हूं आपको, जो कि आपके फैट लॉस के दौरान काम में आएगा। अगर आप चाहते हैं कि फैट लॉस करें, वेट को डिक्रीज करें, तो ये जूस डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। दोस्तों पिछले वीडियो में आपको बताया था वेट गेनिंग जूस के बारे में, जो आपके वेट को गेन करेगा। आपके जो दुबले पतले हैं, जो जिनका वेट कम है, वो कैसे अपने वेट को बढ़ाए, कैसे इंक्रीज करें, उसके बारे में बताया था। तो आज मैं बताऊंगा वेट लॉस के बारे में। तो दोस्तों ये जो इंग्रेडिएंट मैं जितना भी बताऊंगा, सारे लो कैलोरीज होगा। जितना भी कैलोरीज है उसका माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या है, सारे मैं वीडियो में कवर करूंगा। डिटेल्स इन्फॉर्मेशन वीडियो के अंदर मैं दे दूंगा। अगर आप वो वेट गेनिंग जूस के बारे में वीडियो नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, प्लीज चेक कर लीजिए। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ऐसे डाइट और फिटनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियोज डेली लाते रहते हैं आप लोगों के लिए। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको वाटरमेलन जूस के बारे में। वाटरमेलन जूस सभी को पता है, मगर कैसे बनाना है, कौन सा इंग्रेडिएंट उसमें और डालना है, ताकि हम वो जूस को पावरफुल और इफेक्टिव बना पाए, उसके बारे में आज बताऊंगा और डिटेल्स दिखाऊंगा अभी कैसे कैसे आपको कौन सा प्रोसीजर में आपको करना है। दोस्तों इसमें हमारा फास्ट इंग्रेडिएंट होगा वाटरमेलन। वाटरमेलन हमको यहाँ पे 200 ग्राम या 300 ग्राम लेना चाहिए। वाटरमेलन आपके बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है, क्योंकि वाटरमेलन में सिर्फ 96% वाटर ही रहता है। अगर सभी चाहते हैं कि लो कैलोरीज को कंज्यूम करें, क्योंकि हमारा फॉर्मूला कहता है कि अगर लो कैलोरीज हम कंज्यूम करेंगे तो हमारा फैट बर्न होगा, हमारा वेट डिक्रीज होगा। तो ये जो है एक लो कैलोरीज है। दोस्तों वाटरमेलन में आपको विटामिन ए, विटामिन सी और मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट भी मिल जाएंगे। दोस्तों वाटरमेलन में काफी सारा विटामिन सी रहता है, जो कि आपका डेली रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करता है। विटामिन सी रहने के कारण आपके जो सेल डैमेज है उसको ये रोकता है, और आपके बॉडी में ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है। दोस्तों स्टडीज में कहा गया है कि इसमें हार्ट हेल्दी कंपोनेंट भी है, जैसे कि लाइसोपिन और सिट्रुलिन मिलेट। जो सप्लीमेंट है उसका रिव्यू में किया था कि अच्छा सा, वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, नहीं तो आइकन बटन में आपको मिल जाएगा। उसमें भी मैं बताया था कि आप फूड के थ्रू सिट्रुलिन मिलेट को ले सकते हैं, और ये है बेस्ट चॉइस वाटरमेलन, जिससे आप सिट्रिन मिलेट को कंज्यूम कर सकते हैं आप डाइट के थ्रू। और इसमें हम डालेंगे मिंट, मिंट के पत्ते जो है, क्योंकि मिंट के पत्ते डाइजेशन इशू को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी में जो डाइजेशन है उसको फास्ट करता है, और ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। दोस्तों स्टडीज में भी कहा गया है कि अगर आप वेट लॉस चाहते हैं तो मिंट के पत्ते आपको डेफिनेटली हेल्प करते हैं, और ये आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है उसको भी स्ट्रांग रखता है। थ्री अजवाइन। दोस्तों बहुत ही अच्छा चीज है, इसको बहुत ही पुराने सालों से लोग यूज कर रहे हैं। तो अजवाइन अगेन आपका डाइजेशन इसको क्लीन करेगा। अगर आपका आर्थराइटिस है, मतलब आपके घुटनों में पेन हो रहा है, उसको ये हटाएगा। अगेन आपका ओरल हेल्थ के लिए अच्छा है, ठीक है। चौथा जो इंग्रेडिएंट है वो है लेमन। लेमन छोटा सा स्लाइस यहाँ पे डालेंगे, जैसे कि विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट है, बॉडी को डिटॉक्स करता है, आप सभी को पता है लेमन के बारे में, बहुत ही अच्छा है। और थोड़ा सा हम टेस्ट के लिए सॉल्ट डालेंगे, ब्लैक सॉल्ट, अगर आपको पसंद है तो डालेंगे, नहीं तो ना यूज करें। मगर ये जितना भी चार इंग्रेडिएंट बताए ये बेसिक है, बेस्ट है, तो अच्छे से इसको हमें ग्राइंड करेंगे और कैसे अच्छे से हम बनाएंगे, चलिए हम वीडियो पे देखते हैं। अब दोस्तों ये जूस को बनाने के लिए मेरे पास है वाटरमेलन। यहाँ पे मैं 200 ग्राम वाटरमेलन लिया हूँ एक प्लेट में। तो इसको अब हम छोटे छोटे पीस में काट लेंगे, ताकि ये अच्छे से जब हम ग्राइंड करेंगे अच्छे से हम इससे जूस बना पाए। दोस्तों चलिए इसको हम अभी ग्राइंड करते हैं। इसके लिए हमें ये जार में सब वाटरमेलन को डालना है। दोस्तों ग्राइंडर में सभी को हम अभी ग्राइंड करेंगे। अब दोस्तों इसका कैप को निकाल देंगे, देख सकते हैं कि जूस जो है हमारा बन गया है, मगर अभी भी थोड़ा बाकी है, क्योंकि हमें दूसरा जो इंग्रेडिएंट है उसमें डालना है। मेरे पास ये है फ्रेश मिंट का लीफ, मैं डालूंगा उसका पत्ते, जो मिंट का पत्ता है वो बहुत ही अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट है, और एक फ्रेशनेस स्मेल भी हमें इसमें मिलेगा। तो मिंट का पत्ता डाल दिए। अभी मेरे पास है अजवाइन, अजवाइन बहुत ही अच्छा है डाइजेशन के लिए, तो इसको भी हमें थोड़ा डालना है, बस ज़्यादा नहीं, एक चम्मच नहीं, थोड़ा सा। अब दोस्तों हम एक स्लाइस ऑफ लेमन को डालेंगे यहाँ पे, छोटा सा स्लाइस, ताकि विटामिन सी का जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो, अच्छे से डाइजेशन हो जाए, और हमें ये एक एंटीऑक्सीडेंट भी है और हमारे बॉडी को क्लेंज भी करता है। दोस्तों चलिए इसको और थोड़ा, इसमें अब ब्लैक सॉल्ट डाल देंगे,
ताकि थोड़ा सा जो हमारा सॉल्टीनेस आ जाए। तो अभी दोस्तों हम ग्राइंड कर लिए हैं इसको, एक छल्ली में हम छान लेंगे ताकि जो उसका जो ऊपर जो छाल है वो निकल जाए, बिल्कुल हमें जो उसका प्योर वाटर है उसको मिले। दोस्तों देख सकते हैं कि ये हमें प्योर वाटर मिल गया है, जो जूस है हमारा अभी ये मिल गया है। तो इसको एक ग्लास में हम डाल देंगे, तो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। दोस्तों वाह,